अभी एक साहब की शादी हुई राहुरी में, वो स्विट्जरलैंड के थे, वो वहां कर उन्होंने शादी करी। कहले मेरे सगे भाई बहन तो यहाँ रहते हैं, मुझे क्या करना स्विट्जरलैंड में शादी कर। वो स्विट्जरलैंड से आए राहुरी एक गांव में, वहां आकर के उन्होंने शादी करी अपनी बीवी को मिला, और वहां उन्होंने शादी कराई, वहीं घोड़े पर गए और सब कुछ किया उन्होंने। कहले भैया मेरा वहां कोई नहीं रहता, मेरे सगे सोयरे सब यहां पर। और ऐसे आनंद से हमने उसकी शादी बनाई, और अब उसको बच्चा होने वाला है तो सब सहयोगी ऐसे खुश हो गए, आपस में पेड़े बांटने लगे। और उनके जो रिश्तेदार थे उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे सब हो गया। अब आपके रिश्तेदार सहयोगी हो जाते हैं, आपके मित्र हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं। आत्मज, आत्म शब्द बहुत सुंदर है, शायद कभी इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं। आत्मज, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मज होते हैं। कहा जाता है कुछ बहुत नजदीकी आदमी को, ये मेरे आत्मज है। जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। मैं खुद आश्चर्य में पढ़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए, और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो कर। अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना, तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देखकर, इतना मोह लगता है कि कितनी मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है। सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं, और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों की जब खड़ी होगी तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कॉम्पिटिशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है घूमता है, और जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए, इसके जो नियम है उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे, इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है कि अब हम इसमें आए हैं और ये देखिए हमें परेशान दिखा रहे हैं, ये दूसरे हो गए, इनकी श्रेणी बदल गई है, ये दूसरे हैं, ये दिखने में आप ही जैसे हैं लेकिन ये दूसरे हो गए। जैसे समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, कोई बीए में है और कोई फर्स्ट ईयर में है, फिर कोई एमए में है, एमए का लड़का पास होकर प्रोफेसर होके आ जाता है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि कल हमारे साथ ये पढ़ता था और आज आ गया बड़ा हमारे ऊपर। उसी तरह की चीजें, इनकी श्रेणी बदल गई, आपकी भी श्रेणी बदल सकती। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सालों से रगड़ रहे हैं सहयोग में, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता, वो ऐसे ही चलते रहते हैं डावाडोल डावाडोल, कभी गुरुओं के चक्करों में घुसे। आज एक महाशय आए थे, आए होंगे अभी भी, पार हो गए थे, उसके बाद में वो गए कोई शंकराचार्य के पास गए, कहीं किसी के पास गए, कहीं कुछ गए, बेचारे बिल्कुल पागल हो गए, पागल। मुझे आके बताने लगे कि माँ मेरे अंदर पिशाच भर दिए इन्होंने, सब ने पिशाच भरे। आए अभी बेचारे, काफी उनको साफ सुफ किया हमने, पर उससे प्रोग्रेस उनका कम हुआ। अगर वो उसी वक्त जम जाते तो आज कहाँ से कहाँ होते, और बड़ी तकलीफ उठाई बेचारों ने, बड़ी परेशानी उठाई। सामूहिकता को आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा आशीर्वाद सामूहिकता में आता है। और जहां इस सामूहिकता को तोड़ने की किसी ने कोशिश की, यानी लोगों की आदत है क्लब करने की कोई ना कोई बहाना लेकर के, आप सफेद बाल वाले तो मैं भी सफेद वाला, चलो हो गए, आप लंबे आदमी है तो हम भी लंबे आदमी, हो गए क्लब, आप सरकारी नौकर है मैं भी सरकारी नौकर हूं, चलो हो गए, सहयोग में सब छूट जाता है। आप कौन देश के हैं, परमात्मा के देश के, आप किसके साम्राज्य के हैं, परमात्मा के। परमात्मा ने थोड़ी ऐसा बनाया था कि आप यहां के आप वहां के, भाई परमात्मा तो हर एक जगह वैरायटी बनाते ही हैं। ये त्रिगुण के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ में उन्होंने ये सारा बनाया, और जिसलिए कि जिसे वैरायटी से खूबसूरती आती है। आप सोचिए सबकी एक जैसी शक्ल होती तो बोर नहीं हो जाते सब लोग, कम से कम हिंदुस्तानी औरतों को इतनी अकल है कि साड़ियां पहनती अब भी और सब अलग अलग तरह की पहनती, पर आदमी तो बोर करते हैं उनके कपड़ों से, सब एक जैसे।
औरतें जो हैं अभी भी अपना मेंटेन किया, अगर एक औरत ने देखा कि दूसरी मेरे जैसे साड़ी पहन के आए तो बदल के आ जाएगी। हाँ वो साड़ी वाले भी इतने होशियार होते हैं बेचारे, वो जानते हैं उनको आदत पड़ी रहती है, 500 साड़ियां दिखाएंगे वो थकते नहीं बेचारे। मैं कहती हूँ कौन जीव है ये भी पता नहीं। और कभी उनको पता होगा कि ये साड़ी मेरे पड़ोस के ना उसके रिश्तेदार के उसके पास है तो लेंगी नहीं। ये वैरायटी का सेंस जो है इससे खूबसूरती सौंदर्य का लक्षण है, इसलिए परमात्मा ने बनाया। उसने सारी सृष्टि सुंदर से बनाई, कहीं पहाड़ बनाए, कहीं पे नदियां बनाई, कहीं कुछ बनाया, इसलिए कि आप लोग उसमें मस्त रहें, मजे में रहें। लेकिन आपने तो उसको ये बना लिया देश, और उसको वो देश बना लिया, उसने वो देश बना लिया, और लड़ रहे हैं आपस में, अजीब हालत है। हमारे जैसे अजनबी को तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, इसमें लड़ने कौन सी बात। और फिर घुटते घुटते हर एक देश में अपनी अपनी समस्या, अपने अपने तरीके, अपना अपना ढंग बनता गया, सहयोग में चीज टूट जाती। आपको देखना चाहिए था कि परदेश के आए हुए लोग जिस तरह से अपने देहातियों के साथ गले मिल मिल करके कूद रहे थे, और वहां पर नृत्य सीख रहे थे, कैसे अपने देहाती लोग नृत्य करते हैं। करें पंजाब जाएंगे तो वहां जाके भांगड़ा करेंगे उनके साथ कूद कूद करके, देखने लायक चीज है। ये भूल गए कि हम किस देश के। प्रेम, उसका मजा, प्रेम का मजा आता है। फिर ये नहीं सोचता आदमी के कपड़े क्या पहने हैं, ये कहाँ रह रहा है, कि क्या, बस मजे में। ये सब विचार ही नहीं आता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितनी पोजीशन में है, कुछ ख्याल नहीं आता। ये सब बाह्य की चीजें हैं, सनातन नहीं है, क्योंकि सनातन को पा लिया। पर सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी चाहिए हर समय कि हमें सामूहिक होना चाहिए, और सामूहिकता में ही सहयोग के आशीर्वाद है। अकेले अकेले इंडिविजुअलिस्टिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप खो दीजिएगा सब कुछ। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, लोग ज्यादातर जो बीमारी ठीक करने आते हैं वो ज्यादातर इसी तरह से होते हैं। आए बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद बैठ गए। एक साहब आए थे हमारे पास, बहुत चिल्ला चिल्ला के, माँ मेरा ये जल रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा बैठे रहो अभी थोड़ी देर। उसके बाद जब पहुंची तो भाई 5 मिनट में ठीक भी हो गया। उसके बाद एक दिन बाजार में मुझे मिले, तो मेरा फोटो वोटो रखा हुआ है अपने मोटर में। कल मैंने घर में भी फोटो रखा है, मेरे दिल में भी फोटो है। मैंने कहा बेटे क्या बात है, वाइब्रेशंस तो है नहीं। कल हाँ नहीं, और अब एक कोई नई बीमारी हो रही। मैंने कहा सब फोटो बेकार गए ना तुम्हारे लिए, तुम सहयोग करने के लिए केंद्र पे आओ। आप सोचे दिल्ली शहर में हमारे पास कोई केंद्र नहीं, हर तरह के चोरों के पास यहाँ इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए। हमारे पास अभी कोई जगह नहीं, किसी के घर में ही हम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जो धन है वो सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम महल खड़े हो और बड़े एयर कंडीशन आश्रम हो, वो तो कभी होंगे नहीं हमारे। और अभी तक हमें कहीं भी हम लोग जमीन नहीं खरीद पाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम ब्लैक मार्केट का पैसा नहीं देंगे। तो आज तक इस दिल्ली शहर में एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा अच्छा माँ हम आपको ऐसा ऐसी जमीन देंगे जिसमें सीधा सीधा पैसा हो। एक आदमी नहीं मिला इस दिल्ली शहर में और उस बड़े भारी बम्बई शहर में आपकी। ये हालत है। गवर्नमेंट से कहा तो वहां भी जो नीचे के लोग हैं वो ब्राइबरी लेते हैं, उनको क्या मालूम ये सब चीज कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन होता है। और उसके बाद उन्होंने जमीन दी भी, मतलब किसी ने ब्राइबरी तो हमने दी नहीं, तो उन्होंने हमें सब्जी मंडी के अंदर जगह दी। बताइए सब्जी मंडी के अंदर जहां बैल बांधते हैं वहां उन्होंने सहयोगों के लिए जगह दी। हमने कहा भाई जिसने दी उसने कभी देखा भी कि बैलों के साथ क्या सहयोगी वहां बैठने वाले। बहरहाल अब तो उस बात को लोग समझ गए, हमें बहुत दौड़ना पड़ा सालों तक, आज 10 वर्ष से कोशिश करने के बाद अब उन्होंने कहा है कि हम इस पर सोचेंगे। इसका अर्थ आप सरकारी नौकर जानते हैं, अभी वो सोच ही रहे हैं। तो बहरहाल जब भी जगह होगी, जैसी भी जगह, आप उसको देखें, वहां करें जो भी। अभी सुब्रमण्यम साहब ने अपना घर दिया हुआ है, वहीं होता है। और कोई जगह अगर आपको मिल जाए तो ऐसी कोई जगह कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी जगह हो, सर्वसाधारण जहां लोग आ सके। इस तरह से सब अपना ही कार्य हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, हमारे सारे मानव जाति के लिए हम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा आडंबर करने की जरूरत नहीं, सादगी से ही सरलता से ही सबको बैठ के करना चाहिए। सहयोग इतनी आशीर्वाद देने वाली चीज है,
सहयोग में आए हुए लोग आज बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, ये भी बात देखिए कितनी आश्चर्य की है। लेकिन मिनिस्टर होने के बाद वो भूल गए कि वो सहयोगी। जब मिनिस्ट्री छूटेगी फिर आएंगे, जरूर आएंगे, फिर आप पहचानिएगा कि ये फलाने मिनिस्टर थे माता जी। अब उनको फुर्सत नहीं, फुर्सत सहयोग के लिए जरूर निकालनी पड़ेगी आपको, ये आपका परम कर्तव्य है। जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं कब करूं, सो सहयोग नहीं कर सकता। रोज शाम को और रोज सवेरे थोड़ा देर निकालना पड़ता है। सहयोग में अनेक नियम है, अपने आचार व्यवहार बर्ताव रहन सहन आसन आदि क्या क्या करने के वगैरह सबके नियम है, मैं सब नहीं बता सकती। एक साहब ने प्रश्न किया कि माता जी आपने कहे थे कि उसके आसन बताओ, तो मैं सब चक्रों के आसन आज नहीं बता सकती, लेकिन इसके मामले में बहुत लोग जानते हैं कौन से आसन करने चाहिए कौन से चक्र। साहब आए मुझे कहने लगे, हम तो आए थे आपसे मिलने, लेकिन वहाँ एक साहब थे बड़े बदतमीज थे। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि हम दिन में आए थे आपके पास, मैंने कितने बजे 3:30 बजे, मैंने कहा उस वक्त तो मैं आराम करती हूँ। तो कहने हमने सोचा माँ का दरबार कभी भी आ जाओ, मैंने कहा ठीक है आपके लिए तो माँ का दरबार है, लेकिन आपके अकल का दरबार कहाँ रह गया? जो रात दिन माँ मेहनत कर रही, क्या उसको थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? अगर उन्होंने कह दिया कि इस वक्त माँ आराम कर रही है, आप नहीं आए, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि बात सही है। लेकिन जब वो उस जगह खड़े होंगे तो क्या करेंगे? इस प्रकार लोग बहुत बार सहयोग से बेकार में भागते हैं, और इसकी वजह सबसे बड़ी मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी वो पात्र नहीं। जो आदमी पात्र होता है घुसता चला जाता है उसमें, थोड़े दिन नाराज हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं, चलो घुसते चलो इसमें, और गहन उतरता है। जो सॉफ्ट लाइन है वो हमेशा लेती है जीवंत चीज। जैसे एक बी है, जब वो अंकुरित होता है, जब स्प्राउट करता है, तो उसका जो रूट कैप होता है बड़ा छोटा सा होता है, इतना सा, लेकिन बड़ा समझदार वाइज होता है। वो जा करके किसी चट्टानों से नहीं टकराता है, किसी पत्थरों से नहीं टकराता है, पर पत्थर के किनारे पे थोड़ी सी सॉफ्ट जगह मिल जाए उसमें से घुसता चला जाता है और जाकर जम जाता है, और उस पत्थरों पे इस तरह से जकड़ जाता है कि सारा पेड़ का पेड़ उसी सहारे खड़ा हो जाता है। यह अकलबंदी की बात। जब इतना सा एक सेल है, उसको इतनी अकल है, तो क्या एक सहयोगियों को नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हम गहन उतरे चले? कुछ ना कुछ बहाना बनके सहयोग से भागने से आपकी प्रगति नहीं होगी, आपका ही लॉस होगा। ये सब बहानेबाजियां आपको बंद करनी चाहिए। ये अपने मन का खेल है, इसको आप छोड़िए। ये ईगो है और कुछ नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म ईगो है। कोई आपके पैर पे नहीं गिरने वाला। ये तो जरूरी है कि सबसे अच्छे से बातचीत की जाए, कहा जाए, पर अगर कोई बिगड़ भी गया उस पर से सहयोग से भागने की क्या जरूरत है? आप जब तक आप केंद्र पे नहीं आएंगे तब तक आपका कोई सा भी काम नहीं बन सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत से ये भी सोचते हैं कि अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे बाप दादे के बहन के बहन के और भाई के भाई के भाई के कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं अगर उसको कुछ हो जाए तो बस वो माता जी उसको ठीक करे। एक साहब बहुत बड़े सहयोगी हैं और हमारे यहाँ ट्रस्टी रह चुके, सालों से ट्रस्टी हैं, उनकी बीबी भी, दोनों को बहुत बीमारी थी, ठीक हो गए, काफी गहरे उतर चुके, सब कुछ हुआ। उनके लड़का का लड़का ऊपर से गिर के मर गया। नॉर्मली सहयोग के लोग एक्सीडेंट से मरते नहीं, कभी अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को मरते, और वो इस तरह से मर गया, जवान लड़का था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है ये तो कुछ ना कुछ होना था और हो गया, लेकिन एक्सीडेंट से तो माँ ने मुझे बहुत बार बचाया है, मैंने इतने बार अपने लड़के से कहा कि माँ के पास चलो, आया नहीं, तो मैं क्या उसकी जिम्मेदारी ले सकता? अगर वो माँ के पास आता, अपने बच्चे को लेके आता, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। उन्होंने यही मुझसे बात कही, और इतने उस बच्चे को प्यार करते थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब बाप ही नहीं आ रहा था तो लड़का क्या आएगा? आपके जितने रिश्तेदार हैं उनका ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ना आप लीजिए। आप उनसे कहिए कि सहयोग में आप उतरे, सहयोग को आप पाए, और इसकी रिश्तेदारी आप अगर उठा ले तो सारी दुनिया ही आपके रिश्तेदार है। पर यह सोचना कि मेरी बहन बीमार रहती है और मेरे फलाने बीमार रहते हैं और इस तरह से जो लोग करते हैं उसे कोई लाभ नहीं। पहले आपको पार हो जाना चाहिए, पार होने के बाद आपका अधिकार बनता है, उस अधिकार के स्वरूप आप चाहे जो भी मांगे, आपका पूरा अधिकार है, सर आंखों पर है। अगर समझ लीजिए आप इंग्लैंड जाए और इंग्लैंड से जाकर आप कहें कि हमें चीज चाहिए, अरे रहने दीजिए, उस लंदन में आपको लोग पैर नहीं ठहरने देंगे जब तक आपके पास सत्ता ना हो वहां जाने की। जब आपके पास सत्ता नहीं है तब आप सहयोग से कोई भी आशीर्वाद मांगना गलत है। जैसे एक साहब थे बहुत बीमार थे, इन लोगों ने टेलीफोन किया, ट्रंक कॉल किया, मां उनको ठीक करो, पार नहीं थे कुछ नहीं। तो मैंने कहा अच्छा हम कोशिश करते हैं, उनके साहबजादे पार थे, कोशिश करी, उन्होंने कहा कि देखो
इसको छोड़ दो, अहंकार इतना था कि वो ठीक ही नहीं हुआ। तब मैं आने पर वो ठीक हो गए, थोड़े दिन उनकी जिंदगी चली। लेकिन जब मरना है तब तो आदमी मरता ही, वो थोड़ी ना हम रोकने वाले। सिर्फ ये है कि सहयोग से मनुष्य शांति को प्राप्त करता है मरने से पहले, और जो चीज़ बहुत आकस्मिक हो जाती है उससे बच जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सीडेंट से नहीं मरता है, सडनली कोई चीज़ होकर नहीं मरता है, वास्तविक जब मरना है तब मरता है। तो उनको जब मरना था वो मर ही गए बेचारे, वो पार भी नहीं हुए थे और बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह से ठीक किया था, वो मर गए। तो उनके सब रिश्तेदार कहने लगे कि माता जी इनको बचाया नहीं। मैंने कहा उनसे एक सवाल पूछो कि आपने माता जी के लिए क्या किया। पहला सवाल, लोग ऐसा हक सहयोग पे लगाने लगते हैं क्योंकि ये सहज है, वो सोचते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। अभी आपने क्या किया माँ के लिए, आपने अपने लिए क्या किया? पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने अपना ही क्या भला किया हुआ है, सहयोग में हमने ही क्या पाया हुआ है, क्या हमने अपने वाइब्रेशंस ठीक रखे हैं, या क्या हमने एक आदमी को भी पार कराया। महाराष्ट्र में आप आश्चर्य होंगे कि इतने लोग पार होते हैं, हजारों की तादाद में। महाराष्ट्र की महत्ता मैं इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ कि आप जाके खुद ही देखिए, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ कि इतने हजारों लोग कैसे पार हो जाए, और फिर जमते भी बहुत है, ये भी बात उन लोगों में, और इस तरह की बात वहां नहीं होती है। अब वहां ये नियम बनाया था पहले हमने कि जब किसी ने कर 11 आदमी को पार किया वही मेरे पैर छू सकता है। वहां पैर छूने के लोगों को बीमारी, अगर किसी से कहो कि पैर नहीं छूना तो बस उनके लिए फिर आफत हो जाती। 6,000 भी आदमी होंगे तो भी चाहेंगे कि माँ के पैर छू। यहाँ किसी से कहो कि पैर छुए तो वो बिगड़ जाए, क्यों पैर छुए साहब इनके हम। लेकिन उनको मैंने अगर कहा कि आपको पैर छूना है तो आपसे कम से कम 11 आदमी होने चाहिए, वही लोग छू सकते हैं जिन्होंने 11 आदमी पार किए। तो कुछ लोग खड़े हो गए, पहले माँ हमने तो 11 नहीं 10 ही किए हैं, छू ले पैर। देखिए भोलापन। अब उन्होंने कहा कि भाई अब 21 बनाओ, कम से कम 21 पार किए तो माँ के पैर छू सकते, नहीं तो अधिकार नहीं जमता। और ये काम बन गया, 21 वाले बहुत निकला, इतने निकला है कि मुझे कहना पड़ा भैया आप जाने दो, अब नंबर बढ़ाओ। और इक्यावन कर दीजिए तो भी बहुत निकल आएंगे, वहां तो ऐसे ऐसे लोग 10,000 पार किए, इसीलिए शायद उसका नाम महाराष्ट्र रखा है। 10,000 लोग पार करने वाले वहां लोग हैं, और यहां खुद ही नहीं जमते हैं दूसरों को क्या करेंगे। बिल्कुल फ्रिवलस जिसको कहना चाहिए टेम्परामेंट है, अपने तरफ भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने बारे में भी विचार नहीं है, ना दूसरों के बारे में, जानते नहीं कि हम क्या, हम आत्मा स्वरूप हैं, कितनी बड़ी चीज है, हम कितने शक्तिशाली हैं, इस शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए, अपने बारे में कोई विचार ही नहीं है, एक बस रौनक लगा ली बस हो गया। इससे काम नहीं होता, अपने अंदर जो है रौनक करनी पड़ती है और सबके साथ में इसको बांटना पड़ता है।